आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ये बोल्ट की नई TWS बोल्ट K20। और ये TWS काफ़ी ज़्यादा आपको पोर्टेबल देने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा आपको ये कॉम्पैक्ट देने को मिल जाएगा और इसमें आपको 35 आवर्स की प्ले टाइम मिल जाता है। दोस्तों ये जो प्ले टाइम है एक्चुअली डिपेंड करेगा कितने वॉल्यूम के साथ इसको आप यूज़ करते हो। अगर आप 50-60% वॉल्यूम से सुनोगे केस के साथ टोटल आपको 35 आवर्स की प्ले टाइम मिल जाएगा। लेकिन ये TWS में आपको गेमिंग मोड मिलता है वो भी 45 मिलीसेकंड के साथ। दोस्तों यहाँ पर आपको म्यूजिक क्वालिटी कैसे मिलेगा, गेमिंग के टाइम में लो कैसे मिलेगा, ये सारी चीज हम कुछ इस तरह से स्टीरियो माइक्रोफोन का यूज करके आपको बताने वाले हैं। और गाइस यहां पे कॉलिंग का बात करें, एक्चुअली यहां पे बॉक्स के ऊपर मेंशन था क्वाड माइक सेटअप, जबकि अगर यहां पे फ्लिपकार्ट में चेक करोगे वहां पे डुअल माइक मेंशन था। एग्जैक्टली यहां पे आपको कॉल क्वालिटी कैसे मिलने वाला है वो भी आगे हम इस वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं। तो जरूर से ये वीडियो को आखिर तक देखना और अच्छा लगे वीडियो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो जरूर से सब्सक्राइब करने के साथ वो बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो जब भी आए आप उसको मिस ना कर पाए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू आवर चैनल डे बाय डे। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, मैं अपने सारे रिव्यूड प्रोडक्ट को सेल करने वाला हूं और उसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम में चेकआउट करना पड़ेगा। काफी अच्छे प्राइसिंग के साथ आपको वो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, तो जरूर से हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके सारे डिटेल्स को जानिए। तो बॉक्स पैकेजिंग बात करें दोस्तों, ऊपर आपको बोर्ड K20 लिखा मिलेगा और सामने आपको TWS की इमेज मिलेगा और मेड इन इंडिया मेंशन है। पीछे आपको सारा मेजर हाईलाइट्स देने में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ आपको लो लेटेंसी गेमिंग मिलता है 45 मिलीसेकंड की, 13 MAH की आपको ड्राइवर्स मिलेगा और यहाँ पर आपको डुअल मास्टर ब्लूटूथ 5.3 की सपोर्ट है। और जैसे आपको कहा था यहाँ पर आपको क्वाड माइक ENC करके मेंशन है। तो जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड 3 मंथ की वारंटी मिलेगा। इसी QR कोड को स्कैन करके आपको यहाँ पे टोटल 15 मंथ की वारंटी मिल जाएगा। तो जरूर से इसी QR कोड को स्कैन करके आप अपना प्रोडक्ट को रजिस्टर कर देना। और ये TWS की आपको एक यूजर मैनुअल मिलेगा जिसपे आपको कैसे ये TWS को यूज करना है सारा इन्फॉर्मेशन देने को मिल जाएगा। और इस पे आपको एक एक्सेसरीज की पैकेट मिलेगा जिसपे आपको एक टाइप सी की चार्जिंग केबल मिलता है, क्योंकि ये एक हाफ पेन टाइप की ईयरबड्स है इसलिए आपको कोई एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देने को नहीं मिलता। और अभी अगर ये TWS की केस के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी केस की क्वालिटी काफी बढ़िया है, बोल्ट की ब्रांडिंग है और यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर लाइट और टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट देने को मिलता है। दोस्तों इसकी जो हिंज की क्वालिटी है ये आपको काफी बढ़िया देने को मिल जाता है और ये केस की जो मैग्नेट है ये भी आपको काफी अच्छी क्वालिटी देने को मिलता है। काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होने की वजह से आप इसको इजिली कैरी करके ले जा सकते हो, काफी आपको एक स्लिम सा डिजाइन देने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से हाफ इनर टाइप के ईयरबड्स देने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट है। और इन ईयरबड्स के ऊपर भी आपको बोल्ट की लोगो देखने को मिलेगा और इनके जो साइज है स्टेम के ये भी आपको शॉर्ट देने को मिलता है। और बहुत जन के मन में ये रहेगा ये एक हाफ इनर टाइप की ईयरबड्स है तो इसकी फिटिंग कैसा रहेगा, तो दोस्तों ये भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। वैसे मुझे हाफ इनर वाले ईयरबड्स की फिटिंग इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं अपना सर को हिलाता हूँ ये इजिली कान से बाहर नहीं निकलते, इसकी फिटिंग आपको काफी बढ़िया देने को मिल जा रहा है। और इन ईयरबड्स में आपको IPX5 की वाटर रेजिस्टेंट देने को मिलता है जिस वजह से हल्के हल्के पानी के छींटे गिर गए या फिर वर्कआउट के टाइम इन्हें यूज कर रहे हो तो पसीने से इन ईयरबड्स को कोई नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों ये TWS में आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं, आप चाहोगे तो बड़ा आसानी से गाने को प्ले पॉज कर पाओगे, नेक्स्ट प्रीवियस कर पाओगे और दोस्तों यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट जैसी फीचर भी देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल जैसी फीचर भी देखने को मिलता है। अगर अपने राइट ईयरबड को आप 3 बार टैप करते हो तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर पाओगे, वैसे अगर लेफ्ट ईयरबड को 3 बार टैप करोगे तो वॉल्यूम को डिक्रीज करने में काम आता है। ये TWS में आपको गेमिंग मोड तो मिलता है और जैसे फ्लिपकार्ट में मेंशन था अगर आप इनके ईयरबड्स को 4 बार टैप करते हो इसकी गेमिंग मोड एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे केस में ऐसे कोई फीचर देने को नहीं मिला। मैंने बार बार यहाँ पे कोशिश किया 4 बार इसको टैप करने के लिए, लेकिन कोई ऐसे गेमिंग मोड वाली ऑप्शन यहाँ पे इस ईयरबड्स में मुझे देने को नहीं मिला। और इनके जो यूजर मैनुअल में भी आपको गेमिंग मोड को एक्टिवेट करने के लिए कोई भी प्रोसेस मेंशन नहीं किया गया। बाकी आगे इसका हम टेस्टिंग करने वाले हैं ऐसे ही और देखते हैं एक्चुअली में आपको कितना लो लेटेंसी मिलने वाला है। और ये TWS में आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 की सपोर्ट मिलता है और फ्लिपकार्ट में मेंशन था ब्लिंक एंड पेयर वाली टेक्नोलॉजी मिलता है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा था कि जैसे इसकी लीड को ओपन करूंगा ये अपने लास्ट कनेक्टेड डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पे अलग से इनके ईयरबड्स को भी बाहर निकालना पड़ता है तभी जाके ये TWS आपके लास्ट कनेक्टेड डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन सेक्शन में चेक करेंगे तो दोस्तों आपको हाई क्वालिटी कोडेक AAC तक का भी सपोर्ट देने को मिल जाता है। तो अभी तक आपको ये TWS के मैंने सारे डिटेल स्पेसिफिकेशन तो बता दिया, बाकी इसके साउंड क्वालिटी आपको कैसे मिलने वाला है वो भी जल्दी से टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसकी म्यूजिक क्वालिटी के बारे में।
ये डिवाइस की म्यूजिक अगर बात करें तो साउंड क्वालिटी डिसेंट है, और दोस्तों यहाँ पे आपको ज़्यादा हाई वॉल्यूम तो देखने को नहीं मिलता है, अच्छा साउंड क्वालिटी है और वोकल्स काफ़ी क्लियर है, और दोस्तों यहाँ पे आपको 100% में कोई डिस्टॉर्शन देने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा थम्पी बेस है वो इतना आपको महसूस नहीं होगा, जिसको यहाँ पे थम्पी बेस जरूरत नहीं है उनके लिए ये टीवीएस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी एक प्लीजेंट साउंड आपको ये टीवीएस में सुनाई दे सकता है। लेकिन जिसको यहाँ पे बेस की रिक्वायरमेंट रहेगा तो दोस्तों ये टीवीएस में आपको वो थम्पी बेस देने को नहीं मिलता है, नहीं तो ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी ये टीवीएस की आपको डिसेंट देने को मिलता है। बाकी रहा ये टीवीएस की कॉल क्वालिटी, तो दोस्तों यहाँ पे बॉक्स के ऊपर तो कोर माइक सेटअप मेंशन था, लेकिन जितना मुझे देखने को मिला कि दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली आपको दो माइक ईच ईयरबड में मिलते हैं, ऐसे करके टोटल चार माइक तो मिल जाता है, तो काइंड ऑफ ये कंफ्यूजिंग है। लेकिन रियल टाइम में इसकी एनवायरमेंट नॉइज कैंसलेशन कैसे काम करता है उसका हम जल्दी से टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका रियल टाइम कॉल टेस्ट। कॉलिंग मामले में जैसे आपने देखा नो डाउट इसकी जो नॉइज कैंसलेशन है ये काफी बढ़िया काम करता है, जो बैकग्राउंड की नॉइज काफी हद तक ये कैंसल आउट कर देता है। लेकिन कॉल की जो ऑडियो है वो आपको इतना क्लियर देने को नहीं मिलता है, कॉल की ऑडियो क्वालिटी ड्यूरिंग कॉल थोड़ा सा बेटर हो सकता था। बाकी यहाँ पर जो 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलता है, वैसे 4 टैप करने में ये एक्टिवेट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, जरूर से आप भी कमेंट करके बताना अगर इसको बाय किए होगे कि 4 बार टैप करने में आपके टीडीएस में गेमिंग मोड एक्टिवेट होता है या नहीं। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही टेस्ट करने वाला हूँ जिससे आपको एक अंदाजा मिल जाए कि गेमिंग के मामले में ये टीडीएस आपके लिए कितने अच्छे रहने वाले हैं। तो मैंने ये टीडीएस को ऐसे ही टेस्ट किया था, तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पे आपको गेमिंग मोड को एक्टिवेट करने के लिए कोई ऐसा टैप करने की जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाता है, जिस वजह से दोस्तों यहाँ पर आप अच्छी गेमिंग कर सकते हो। अगर आप गेमिंग नहीं करते हो तो दोस्तों इसी वजह से आप कोई भी मूवी देखते हो उस टाइम आपको वो लिपसिंग वाली इश्यूज नहीं रहेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है, और ये आपको सिर्फ 800 रुपये में मिल जाता है। ओवरऑल ये टीडीएस मुझे अच्छा लगा, म्यूजिक क्वालिटी में जिसको ज़्यादा बेस पसंद नहीं है लेकिन एक डिसेंट साउंड एक्सपीरियंस करने वाले हैं उनके लिए काफी बढ़िया है, काफी ज्यादा आपको ये कॉम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया लगा। अगर यहाँ पे कुछ कमी की बात करूँ कॉल क्वालिटी और थोड़ा सा बेटर हो सकता है, लेकिन फ्लिपकार्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर आपके डिवाइस में ये सारे फंक्शन काम करते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि हो सकता है कि पर्टिकुलरली मेरे टीडीएस में ऐसा दिक्कत देखने को मिला हो। और दोस्तों अभी की अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा तो रिक्वेस्ट करूंगा जरूर से कुछ ना कुछ कमेंट इस वीडियो के नीचे कर देना, जिससे ये वीडियो की रिटेंशन थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। अभी हमारा चैनल एक्चुअली बहुत डाउन चल रहा है, अगर आप कमेंट करते हो लाइक करते हो तो ये वीडियो की रिटेंशन थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, काफी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। और मेरे चैनल पे मैं ऑलमोस्ट सारे चीज को बाय करके आपको रिव्यू देता हूँ, और अगर आपको ऐसा ऑनेस्ट रिव्यू देखना पसंद हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही, और भी कोई डाउट कोई भी कंफ्यूजन रहेगा जरूर से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।